नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। केंद्र सरकार को बार बार धमकी देने वाले, अपने आप को किसानों का हितैषी बताने वाले राकेश टिकैत आए दिन सरकार को चेतावनी देते रहते हैं कि अगर उनकी मन की नहीं हुई तो वो धरने पर बैठ जाएंगे। सुर्खियां बटोरने में एक्सपर्ट राकेश टिकैत ने कुछ दिन पहले 31 जुलाई को चक्का जाम करने का ऐलान किया था, लेकिन अब खुद ही ये ऐलान वापस ले चुके हैं टिकैत। लेकिन क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। किसानों के मुद्दों को लेकर संयुक्त मोर्चा द्वारा देश भर में 31 जुलाई को चक्का जाम करने की घोषणा की गई थी, जिसे वापस लेते हुए अब ये फैसला लिया गया है कि किसान मामूली रूप से धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सभी जगहों पर जिला प्रशासन को सौंपेंगे। बताया जा रहा है कि हरियाली तीज के त्योहार को देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने चक्का जाम की इस घोषणा को वापस लिया है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए BKU के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर चक्का जाम की घोषणा की गई थी, अब उसमें तब्दीली की गई है। इससे पहले 31 तारीख की घोषणा की गई थी। 31 तारीख में तीज है, जो महिलाओं का एक बड़ा त्योहार है। बिजनौर से लगाकर मुरादाबाद, अमरोहा, बरेली सब जगह सावन का महीना चल रहा है और यहाँ कांवड़ चलता है। ऐसे में हम जाम नहीं करेंगे और ज्ञापन देंगे। जिन पॉइंट पर जाम होना था, अब उन्ही पॉइंटों पर अधिकारियों को बुलाकर ज्ञापन दिया जाएगा। फसलों के रेट और बिजली की दिक्कतों की सभी समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया जाएगा। राकेश टिकैत ने बताया कि 9 या 11 पॉइंट मुजफ्फरनगर में बनाए गए हैं, जैसे शामली में 2 पॉइंट है, सहारनपुर में अलग पॉइंट है। पॉइंट वही रहेंगे और वहीं पर मीटिंग की जाएगी। अब इन्हीं जगहों पर ज्ञापन दिया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्र प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि 31 जुलाई महिलाओं का प्रमुख त्योहार हरियाली तीज है, उसको देखते हुए कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। अब रास्ते चीज नहीं होंगे बल्कि धरना प्रदर्शन देखकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूँ। मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूँ। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूँ। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।